बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटर बुक टू, इंटर पार्ट टू, उसकी बुक टू चैप्टर नंबर 8 है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। गैलियो सेंटिनी ने ये चैप्टर लिखा है, ये ऐसे लिखा है, और इसके अंदर चाइना ने किस तरीके से तरक्की की, कैसे उसने अपने पांव जो हैं वो एक एशियन कंट्री के तौर पर उभारे और पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर वो चाइना जो है उसने अपने मजबूत पंजे गाड़े, इसके बारे में हमारा ये डिस्कशन होगी। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले चाइना की प्रोग्रेस के बारे में बात की गई है। चाइना को पहले अहमियत नहीं दी जाती थी, इग्नोर किया जाता था, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इस मुल्क को खसूसी तौर पे कोई अहमियत नहीं देते थे। यहाँ पर एक किस्म की खाना जंगी की वजह भी हो सकती है, या वैसे भी कुछ वजूहात ऐसी थी कि जिसकी वजह से इसे इग्नोर किया जाता था। लेकिन फिर उनके एक लीडर ने, माओ जिसको कहा जाता है, उसने चाइना के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने इस तरीके के साथ तरतीब देना शुरू किया कामों को कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना के जो लोग हैं उन्होंने तरक्की करना शुरू की, और इतनी तरक्की कर ली कि अभी तक तरक्की कर रहे हैं और पूरी दुनिया की जो मईशत है चाइना के बगैर एक बिल्कुल नाकाम मईशत के तौर पे है। चाइना एक, आप ये कह लें कि एक बैकबोन के तौर पे अब काम कर रहा है। दुनिया के जिस मुल्क में भी चले जाएं, किसी न किसी चीज़ को भी आप देखें तो उसका कोई ना कोई ताल्लुक चाइना के साथ ज़रूर होता है, या तो वो मैन्युफैक्चर्ड बाई चाइना होती है, या मेड इन चाइना होती है, या फिर कईयों के ऊपर लिखा होता है मेड इन RPC, चाइना रिपब्लिक, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने किस तरीके से तरक्की की है। सबसे पहली बात तो ये है कि चाइना के बारे में ये कुछ हकायक हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट का मतलब होता है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा हो। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है, और दुनिया के अंदर आबादी के लिहाज से ये सबसे एक नंबर पे है, सबसे पहला बड़ा मुल्क है। आबादी सबसे ज़्यादा चाइना की है दुनिया के अंदर, और रकबा जो है वो तीसरे नंबर पे चाइना का है, और 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन चाइना। चाइना के अंदर पूरी दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन, 1/4 आबादी रहती है। ये तकरीबन 1 अरब 40-50 करोड़ के करीब लोग हैं जो चाइना में रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो चाइना को पहले तो बड़ा इग्नोर किया गया था। पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैड इग्नोर्ड चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़ी देर तक उसे इग्नोर किया जाता रहा। उसके बाद जो है वो चाइना ने तरक्की करना शुरू की, लेकिन नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। लेकिन अब जो है दुनिया ने चाइना के बारे में अपना जो एक रवैया था, उनका एक तर्ज़े सोचने का तरीका था, वो तब्दील कर लिया है, और अब वो चाइना को एक उभरती हुई मईशत के तौर पर समझते हैं। उसके बाद चाइना ने अपने जो मुल्क के अंदर कुछ मसाइल थे उनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद चाइना ने 1949 के अंदर आज़ादी हासिल की। आज़ादी ये नहीं थी कि किसी दूसरे मुल्क ने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ था और फिर उन्होंने वहाँ से आज़ादी हासिल की, वो ये तरीका था कि 1927 से लेकर 1949 तक, 1927 से लेकर 1949 तक चाइना के अंदर दो पार्टीज ऐसी थीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। वो दोनों आपस में इख्तलाफात की जद में थी, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी थी और हुकूमत भी करना चाहती थी। उनकी जंग चलती रही, 22 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन फिर 1949 के अंदर जाके जो इनका लीडर था कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसका नाम है माओजिंग, उसने 1949 के अंदर जाके 22 साल की जंग के बाद फौज की मदद से उसने आज़ादी हासिल की, और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उनको चाइना जो मेन लैंड है वहाँ से निकालकर एक साइड पे, एक छोटे से जजीरे जिसे अब ताइवान कहा जाता है, वहाँ पे उन्हें जगह दे दी गई। ताइवान के अंदर अब जो गवर्नमेंट है, पहले वो लोग भी चाइना में ही शामिल थे, लेकिन जब वो
चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पांव जमा लिए, तो उन्होंने वहां पे अपनी नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां पे अपनी हुकूमत बना ली और वहां पे उन्होंने हुकूमत को कायम करके अपना काम करना शुरू कर दिया। तो चाइना ने तकरीबन 22 साल की खाना जंगी के बाद अपने पांव मजबूत किए और आज़ादी के बाद, इसे हम आज़ादी कहेंगे, चूँकि आज़ादी वो वाली नहीं थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपनी मुल्क के अंदर ही उन्होंने दो जो पार्टियां झगड़ा कर रही थी उनसे जब उन्होंने अलग होकर आज़ादी हासिल की है, तो उसके बाद दे हैव प्रोग्रेस्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वो जो उनका एक लीडर था, लीडर माओ जिसे कहा जाता है, उसके बयानात की वजह से या उसकी बातों की वजह से, उसकी बातों को इतनी अहमियत दी कि उन्होंने, चाइना के लोगों ने ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर इतनी तरक्की हासिल की कि अब तक वो तरक्की हासिल करते जा रहे हैं। द पीपल ऑफ चाइना आर हार्ड वर्किंग। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं चाइना के लोग। दे पुट देयर सिग्निफिकेंस ऑन द मैन पावर इंस्टेड ऑफ मशीनरी। इस लाइन का मतलब ये है कि वो मशीनरी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अगर काम करना है तो वो हाथों के साथ काम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी छोटा छोटा काम जो है जो मशीनों के साथ किया जा सकता है और हाथों से भी किया जा सकता है वो मशीनों के साथ ही किया जाए, बल्कि वो हाथों के साथ काम करने को, अपनी मेहनत के साथ काम करने को तरजीह देते हैं। प्रोविंसेस डोंट लुक अप टू द सेंटर फॉर देयर नीड्स। चाइना के अंदर सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बताया कि आपको के रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, तो उसके अंदर सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हर सूबा जो है वो अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करता है। तमाम प्रोविंसेस जो है वो वफाक की तरफ नहीं देखते, सेंटर की तरफ नहीं देखते कि जी ये सेंटर हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगा, वफाक की तरफ से हमें एड मिलेगी तो हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि प्रोविंसेस जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, अपने तरीके से कमाई करते हैं और अपने इलाके के ऊपर लगाते हैं। विलेजर्स डोंट माइग्रेट टू द सिटीज। जो एक बड़ी बात है चाइना के अंदर वो ये है, हमारे माशरे के अंदर भी और दीगर एशियन कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो ये है कि हर बंदा जो थोड़ी सी प्रोग्रेस करना शुरू करता है वो सबसे पहले गाँव को छोड़ के शहर में माइग्रेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लेकिन चाइना के लोग ऐसे नहीं हैं, जो गाँव में रहने वाले लोग हैं चाहे वो जितनी मर्जी तरक्की क्यों ना कर लें वो शहर में नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो सिटीज़ में मिल रही होती हैं वो सेम फैसिलिटीज़ उनको गाँव के अंदर, विलेजेस के अंदर भी मिल रही होती हैं, इसलिए वो शहर जाने को तरजीह नहीं देते, गाँव में रह के ही मेहनत करते हैं। गाँव में ही हर इदारे ने अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए अलग अलग सारी चीज़ें मैनेज की होती हैं और इस तरीके के साथ वो लोग जो हैं वो गाँव में ही रहते हैं, शहर जाने की कोशिश नहीं करते, गाँव में रहने को ही तरजीह देते हैं। यहाँ तक जो है चाइना के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो उसके बाद लेबर्स के बारे में बताया गया है कि चाइना के अंदर लेबर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ज़ाहरी बात है एक मुल्क तरक्की तब ही करता है जब मातहत जो लोग होते हैं, जो नीचे वाले निचला तबका होता है, उनको जब फैसिलिटीज़ दी जाएं, उनको खुश रखा जाए, तो वो मुल्क जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता है। तो चाइना का बेसिक जो असूल है, जो बेसिक उनका प्रिंसिपल है प्रोग्रेस करने का, प्रॉस्पेरिटी का, वो यही है कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, जो नीचे काम करने वाले छोटे छोटे तबकों में काम करने वाले लोग हैं, उनको खुश रखा हुआ है, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो लेबर्स आर गिवन देयर राइट्स एंड नीड्स। जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, उनको उनके हकूक भी पूरे दिए जाते हैं, उनकी ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है। उनकी ज़रूरियात में मेडिकल भी है, उनकी ज़रूरियात में फ्री हाउसिंग भी है, उनकी ज़रूरियात के अंदर खाना भी है, उनकी ज़रूरियात के अंदर उनकी हॉलीडेज़ भी हैं, उनकी ज़रूरियात के अंदर उनकी पेमेंट अच्छी है, सैलरीज अच्छी हैं, ये सारी उनकी बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो लेबर्स आर गिवन देयर राइट्स एंड नीड्स, उनको पूरी की पूरी ज़रूरियात और सहूलतें दी जाती हैं। दे वर्क 8 hours a day, वो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, 9 overtime, 8 घंटे ही उन्होंने काम करना है एक दिन के अंदर, और 24 घंटों में से 8 घंटे काम करना है, और उसी 8 घंटे के काम की वजह से उनको इतनी पेमेंट दी जाती है कि वो आराम के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं। दे इंजॉय फ्री हाउसिंग इन फैक्ट्रीज। जिस फैक्ट्री ने, जिस फर्म ने, जिस कम्यून पार्टी ने या जिस इलाके के अंदर किसानों ने लोगों से अपना काम करवाना है,
तो वो जो जागीरदार किसान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी फ्री हाउसिंग का भी बंदोबस्त करेंगे, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो दे इंजॉय फ्री हाउसिंग इन फैक्ट्रीज, घर जो है उन्हें मुफ्त मिलते हैं रहने के लिए, किराया नहीं देना पड़ता, अगर किराया देना भी पड़ता है तो बहुत माइनर सा किराया होता है। दे इंजॉय फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल मुफ्त हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जो मजदूर हैं खसूसी तौर पे, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा मसला बन जाता है फैक्ट्री में काम के दौरान या वैसे भी वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं मुफ्त। और उस फैसिलिटीज के साथ साथ अगर कोई मरीज ऐसा बन जाता है कि 6 महीने तक भी उसकी बीमारी सही नहीं होती, एक तो उसको 6 महीने तक छुट्टियां वो काम नहीं करेगा, दूसरा ये है कि उसे 6 मंथ्स की पे मिलेगी, सैलरी मिलती रहेगी। तो ये तरीका भी है कि उनको चाइनीज जो है उन्होंने अपने लेबर्स को प्रमोट किया हुआ है। देयर फैमिलीज इंजॉय मेडिकल फैसिलिटीज विद 50% डिस्काउंट। अब जो है एक मजदूर, उसको तो मुकम्मल तौर पर बजाते खुद फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी फैमिली के लोग हैं, उसके वालदैन हों, उसके बीवी बच्चे हों, उसके जितने भी फैमिली के बहन भाई लोग हैं, उन सबको अगर कोई मेडिकल नीड है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी दवाई लेने की, तो वो 50% डिस्काउंट के साथ दवाई ले सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनका जो सरबराह है या उनका घर वाला जो एक फ़र्द है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और उस फैक्ट्री का एक MOU साइन हुआ है या उनका आपस के अंदर कोई मुआहदा हुआ है। उसके बाद पेशेंट्स आर पेड 6 मंथ सैलरी। ये बात मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई है कि जितने भी मरीज हो जाते हैं काम के दौरान उनको 6 महीने की सैलरी दी जाती है और उस दौरान उन्हें काम नहीं करवाया जाता। अगर फिर भी वो सही नहीं होते तो उसके बाद उनको घर में बैठने के लिए रेस्ट करने का कहा जाता है और 50% सैलरी पे की जाती है। जो मेडिकल के अखराज आते हैं वो जरूर बर्दाश्त किए जाते हैं। अ वर्कर विद द एज ऑफ 60 गेट्स रिटायरमेंट। 60 साल की उम्र में एक वर्कर को रिटायर कर दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पेंशन हासिल करते रहते हैं जो कि 50-60% ऑफ द बेसिक पे होती है। आफ्टर रिटायरमेंट दे आर गिवन पेंशन, उनको पेंशन दी जाती है। चाइनीज वुमेन डोंट यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब यहां तक मजदूरों के बारे में बात की गई थी, उसके बाद चाइना की औरतों के बारे में बात की जाएगी कि चाइना की जितनी भी खवातीन हैं वो किसी किस्म की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करती, वो मेकअप को अपने चेहरे पर नहीं थोपती, वो जो है बिल्कुल सादा एक साबुन की टिकिया के साथ वो काम करती हैं, जो कि यूरोप के अंदर वही काम खूबसूरती अपना दिखावा करना वो हजारों डॉलर्स खर्च करके किया जाता है। तो चाइना की जो खवातीन हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। दे इंजॉय द सेम फैसिलिटीज द वर्कर्स डू। जो सहूलतें और जो फैसिलिटीज सहूलतें और जो फायदे बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जाते हैं, सेम फैसिलिटीज़ वो ख्वातीन को भी वहाँ दी जाती हैं। ख्वातीन को मुकम्मल तौर पे आज़ादी है, काम भी कर सकती हैं और दफातर के अंदर भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, लेकिन ये है कि उनके अंदर वहाँ पर कोई किसी किस्म की उनके ऊपर रोकथाम भी नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। और अगर कोई खातून जचकी के दौरान है और काम भी कर रही है किसी फर्म के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर और वो चाइल्ड बर्थ के दौरान, उसको 56 पेड हॉलीडेज दी जाती हैं। पेड हॉलीडेज का मतलब है कि 56 छुट्टियाँ भी दी जाती हैं और उन छुट्टियों के साथ साथ उन छुट्टियों की पेमेंट भी दी जाती है, सैलरी भी दी जाती है। ये नहीं कि बस जी आपका काम है आप छुट्टियां करें, घर जाके बैठे आराम करें, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी भी दी जाती है और 56 पेड हॉलीडेज भी दी जाती हैं। तो ये वो सहूलियात है जो खवातीन भी इंजॉय करती हैं और चाइना के वर्कर्स भी इंजॉय करते हैं जी। उसके बाद चाइनीज वर्कर और चाइनीज वुमेन के बाद चाइनीज स्टूडेंट्स की बात आ रही है कि चाइना के अंदर स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। तो वहाँ पर स्कूल जो है डबल शिफ्ट में चलते हैं। तरीका ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं वो सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह करने के बाद गोज टू स्कूल एट 8 AM। सुबह 8 बजे उन्होंने स्कूल जाना होता है। 8 बजे स्कूल जाने के बाद वर्क देयर टिल 11 AM। वो 11 बजे तक कोई भी एक स्टूडेंट जो है वहाँ काम करेगा, वहीं रहेगा, स्कूल के जितने भी काम है वो मुकम्मल करेगा, उसके बाद रिटर्न्स होम एंड ईट्स लंच। फिर वो 11 बजे, और वो खुद घर नहीं आते, गाड़ियाँ उन्हें लेके आती हैं जो कि स्कूल की तरफ से बसेज होती हैं, वो उनको लेके आती हैं और लेके भी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होती है। वहाँ से उनको घर लाया जाता है 11 बजे और वो घर आके लंच वगैरह करने के बाद गेट्स बैक स्कूल एट
1:30 PM वो 1:30 बजे 1:30 पे वो दोबारा जो है वो स्कूल जाते हैं बच्चे, वहां जाकर फिर 1.5 घंटा के लिए पढ़ते हैं और स्टेज देयर टिल 3, देन दे कम होम, फिर वहां पर 3 बजे तक वो पढ़ते हैं दोपहर 3 बजे तक, और फिर वहां 3 बजे तक रहने के बाद वो घर वापस आते हैं। तो इस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट जो है वो अपना सारा दिन तरतीब देते हैं। इसके बाद जो होम असाइनमेंट्स होती हैं वो घरों में बैठ के करते हैं। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम भी डिस्कस किया गया है कि चाइना के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम इतना मजबूत है, जैसे इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि चाइना के अंदर एग्रीकल्चर करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए मशीनरी की बजाय मैन पावर के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और अगर कहीं मशीनरी की ज़रूरत पड़े भी तो वो जो उनके माओ ने, उनके जो चेयरमैन ने, चाइना का जो मेन बंदा था, उसने जो एक रूल एक दिया हुआ है कि ऑलवेज रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, कि हमेशा अपने जो जाती वसायल हैं, जो आपने खुद बनाए हुए वसायल हैं, उनके ऊपर जो है इनसार करो, भरोसा करो। तो इस वजह से अगर उन्हें मशीनरी की ज़रूरत पड़े भी तो वो बाहर से मशीनरी नहीं मंगवाते, दूसरे ममालिक से मशीनरी नहीं मंगवाते, वो अपनी बनाई हुई मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और लोकली मेड मशीन जो होती हैं उनके ज़रिए वो काश्तकारी करते हैं। उसके अलावा एक और बेसिक रूल भी बताया है कि चाइना के लोगों ने अपने आप के अंदर से सेल्फिशनेस जो है, जो कि अपना ही फायदा सोचने वाली बात है, उसको निकाल दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचते, वो अपनी कौम का फायदा सोचते हैं, वो अपने पूरे मुल्क का फायदा सोचते हैं। इस वजह से, इसकी वजह क्या है फायदा सोचने की, कि वहां पे मजदूर भी खुश है, मजदूर खवातीन भी खुश हैं, चाइना के जो तालिब इल्म हैं उनकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज की गई है, एग्रीकल्चर सिस्टम बड़ा अच्छा है, फैसिलिटीज सारी मेडिकल भी हैं, हाउसिंग भी है, सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। तो जब निचला तबका खुश है तो उन्होंने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत भी रखनी है, उल्फत भी रखनी है, और उन्होंने अपने आप के फायदे की बात नहीं करनी, मुल्क के फायदे की जनरल बात करनी है। तो यहाँ तक आपकी इस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, की समरी मुकम्मल हुई है जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं चाइनाज वे टू प्रोग्रेस के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें बुक में जो है वो आपके 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, कि दुनिया ने चाइना के बारे में अपना जो रवैया क्यों तब्दील कर लिया है। तो इसकी वजह ये है कि चाइना इज द 3rd largest कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, रकबे के लिहाज से दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से चाइना हैज 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि चाइना के अंदर पूरी दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी जो है वो चाइना में रहती है, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन चाइना। इस वजह से चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, इसलिए दुनिया ने अपना रवैया उसके बारे में चेंज कर लिया है। और तीसरा ये है कि उनका सोशल सिस्टम बहुत अच्छा है, सोशल सिस्टम जैसे समरी में भी आपने ये देखा है कि सोशल सिस्टम होता है कि हर बंदे की कोलैबोरेशन दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, अवाम की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट अवाम के हकूक का तहफ़ करती है। तो सोशल सक्सेसफुल सोशल सिस्टम, उनका जो माशरती निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन है, इस वजह से पूरी दुनिया ने चाइना के बारे में अपने रवैये को तब्दील कर लिया और चाइना के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि चाइना का एग्रीकल्चर सिस्टम वो बयान कीजिए कि कैसा है। तो चाइना का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा है, वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, वर्क थ्रू ट्रेडिशनल लेबर्स, वो अभी तक भी मशीनरी को ज़्यादा तरजीह नहीं देते बल्कि ट्रेडिशनल जो लेबर्स हैं, जो उनके रवायती मजदूरों के जरिए हाथों काम करवाना, उसको वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। दे वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। सिस्टम ऑफ कम्यून्स क्या होता है, ये नहीं कि जागीरदार बंदा है और उसने मातहत बंदे रखे हुए हैं, मुंशी वगैरह, और उसने आगे बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए। जागीरदार बंदा खुद भी काम करेगा, दूसरे लोग भी काम करेंगे, और उसके मजदूर भी साथ मिलकर काम करेंगे। तो हर बंदा काम करता है, ये नहीं कि पैसे दे के लोगों से काम करवाया जाए, किसान वहां पर खुद भी काम करते हैं। और ये बात है कि दे रिलाय ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो लोगों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। अगर चीज़ बनाने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो वो लोकली मेड जो मशीन्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए, सो करने के लिए, या फिर
फसलों को लगाने के लिए, दे यूज लोकली मेड मशीनरी। तो ये इन क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को मिला के इसका आंसर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी लाइफ, डिस्कस द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट, चाइना के एक स्टूडेंट की जिंदगी को डिस्कस कीजिए कि उसकी जिंदगी क्या है, किस तरीके से है। तो एक चाइनीज स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट 8 AM till 11 AM, सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, 11 बजे तक वहाँ स्कूल रहता है। उसके बाद कम जो होम फॉर लंच, लंच के लिए घर वापस आ जाता है, फिर दोबारा 1:30 बजे स्कूल जाता है चाइना का स्टूडेंट जो है। उसके बाद वो स्कूल में 1.5 घंटा रहने के बाद बैक एट होम एट 3 PM, 3 बजे वापस आ जाता है और घर आके असाइनमेंट वगैरह जो उसने करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नोट, राइट अ नोट ऑन द चाइनीज वुमन, चाइना की जो खातून है उसके ऊपर नोट लिखिए। तो खातून जो चाइना की वर्कर खातून है उसको भी वैसे ही सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे वर्कर्स को मिलते हैं। दे यूज़ नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो किसी किस्म के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करती। दे इंजॉय मैनी सोशल बेनिफिट्स, उनको बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। दे इंजॉय फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, उनको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री दी जाती हैं। उसके बाद दे गेट 56 पेड हॉलीडेज, उनको 56 छुट्टियां जो हैं पेड दी जाती हैं। कब? जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस दौरान उनको 56 पेड हॉलीडेज दी जाती हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने इस स्लाइड में किए हैं जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये आखिरी स्लाइड है, ये सिनोनिम्स हैं चाइनाज वे टू प्रोग्रेस के। सिनोनिम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीडेंटल्स का मतलब होता है मगरबी ममालक। तो मगरबी ममालक ने जब चाइना की तरफ तवज्जो करना शुरू की तो वहाँ पे ऑक्सीडेंटल्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद है माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में इजाफा होना, बढ़ता जाना, किसी चीज़ का हजम ज़्यादा होता जाना। तो बढ़ती हुई माउंटिंग क्या थी? माउंटिंग नीड थी, चाइना की ज़रूरत थी दूसरे लोगों को, और वो ज़रूरत माउंट होती गई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, तो लोगों ने उनकी तरफ तवज्जो की। इंक्रीजिंग या ग्रोइंग इसका मतलब लिखा जा सकता है। ओब्लिवियन का मतलब होता है इग्नोर कर देना किसी चीज़ को। जो दीगर बड़े आज़म हैं, जो दीगर ममालक हैं, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी देर तक चाइना की तरफ से नेगलिजेंसी का इजहार किया, अदम तवज्जही का इजहार किया, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, तो उसको ओब्लिवियन के तौर पे लिखा गया है। इसके सिनोनिम्स में फॉरगेट भी आ सकता है, नेगलिजेंस भी आ सकता है। मॉडल इसका मतलब यहाँ पे जो है इस ऐसे के अंदर एक निज़ाम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो माशी निज़ाम, चाइना का ऐसा निज़ाम जो कि पैसे देने वाला निज़ाम है, उसको मॉडल के तौर पे यूज़ किया गया। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम आपका, चाइना का माशी निज़ाम। एक्सोडस इसका मतलब क्या है? नकल मंगानी करना, इनखला करना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। जैसा कि समरी के अंदर आपको बताया कि चाइना के लोग नकल मंगानी नहीं करते, वो जो गांव के लोग हैं उनको गांव में ही ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि वहीं रहते हैं, वो शहर जाने को तरजीह नहीं देते। तो इसका मतलब इंग्लिश में इसका सिनोनिम माइग्रेशन है या इमिग्रेशन है। न्यूमरस कहते हैं बेशुमार को। जब चाइना के अंदर तरक्की होना शुरू हो गई और चाइना के बारे में लोगों ने अपना रवैया तब्दील करना शुरू किया तो न्यूमरस पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड विजिटेड चाइना। चाइना का बहुत सारे दुनिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उन्होंने चाइना में आके विजिट किया और चाइना के जो लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत की और अपने ताल्लुकात उनके साथ बढ़ाने की कोशिश की। तो न्यूमरस का मतलब होगा मैनी, अलॉट ऑफ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद पॉपुलस का मतलब होता है गुंजान आबाद, ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा आबादी हो। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना की आबादी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो गुंजान आबाद या थिकली पॉपुलेटेड इसकी सिनोनिम बनाया जा सकता है। मैक्सिम कहते हैं मैक्सिम नारे को, कॉल को। तो उनका जो लीडर है माओ, उसका कॉल ये था, उसकी सेइंग ये थी के ऑलवेज रिलाई ऑन योर ओन रिसोर्सेज। तो उसका जो मशहूर नारा है उसको मैक्सिम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसका आप सिनोनिम सेइंग लिखेंगे। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 पूरा हुआ। आप इस चैप्टर को देखिए और ज़रूर बर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को विजिट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करके कॉमेंट्स के अंदर अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिए।